वहीं और रीवा के त्योंथर से जहां पर एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिला है। बता दें कि कई क्षेत्रों में इस दौरान तेज आंधी, तूफान, बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को काफी नुकसान हुआ। वहीं किसानों ने बोई गेहूं, चना, राई जैसे अन्य खड़ी फसलों के बर्बाद होने की तस्वीरें भी सामने आई है। वहीं बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों के सपनों पर पानी फिर गया है। बता दें कि इस दौरान किसान मुआवजे को लेकर सरकार की तरफ रुख कर रहे हैं और सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि आप निश्चित रहें, सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा। तो मध्य प्रदेश की रीवा से ये तस्वीरें सामने आती हुई जहां पर बेमौसम बारिश ने किसानों की समस्या को बढ़ा दिया। आपको बता दें कि इस दौरान बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई है, जिसके साथ किसानों के खड़ी फसल को इस दौरान काफी नुकसान हुआ है। बता दें इस दौरान किसानों को लाखों का नुकसान हुआ, जिसके चलते ओलावृष्टि से लगातार परेशान है और मुआवजे की मांग सरकार से कर रहे हैं। पर आकर किसानी कर रहे हैं, गरीब भूमिहीन है जी। हमारा समझ लिए कि कम से कम तब 10 बीघा का नुकसान हुआ है, गेहूँ बोए हैं जी, पत्थरा पड़ गया, नुकसान हो गया। हम भूमिहीन आदमी, अब कैसे हम जिएंगे? कितने बीघा पास कर रहे हैं आप? हम हमारे पास जमीन नहीं है सर। अच्छा, ऐसे अधिया ले करके हम जी रहे हैं। समस्या साहब बहुत कुछ है, ओला पत्थर पर जाने से हमारी फसल बहुत नुकसान हो गई है जी, तो इससे हम बहुत प्रभावित हुए हैं जी। अब हम अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र निवेदन करेंगे जी कि हमारा उचित इसका मुआवजा दिलाने का कष्ट करें जी, किसी को भेज करके इसकी इंक्वायरी करवाएं जी, ताकि हम झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, सही है कि गलत बोल रहे हैं जी। अपने बच्चों की शादी करने के लिए साहब यहाँ हम ये सोच करके फसल तैयार किया कि हम अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकेंगे, क्योंकि भविष्य के लिए पढ़ाई लिखाई या दवाई जी इत्यादि खर्चों के लिए जी ये भी हमारा नष्ट हो गया। अब हम भैया किसी काम के नहीं रह गए हैं जी, हम बर्बाद हो गए हैं। लगभग कितने बीघा के काश्तकार हैं आप? अरे 5 हेक्टेयर के लगभग काश्तकार हैं हम साहब। तो बारिश से आपका पूरा फसल नुकसान हो गया है? पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन इसमें आधा फसल नुकसान हो गया।